नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एचएसएससी अड्डा में। मैं मुकेश भारतीय इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ जो आपका एलडीसी कलर का पेपर आज हुआ है, एडवर्टाइजमेंट संख्या 11/2019 उसका पेपर आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें दिखाएंगे ये किस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर आपका आया है, ताकि आगे जो परीक्षाएँ हैं उनमें आपको पता चल जाए कि किस तरह का आपका आया था और हमें जो है किस हिसाब से तैयारी करनी है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए आपको, इसमें हम आपको बता देते हैं हिंदी इंग्लिश वगैरह जो भी आपका पार्ट रहा था हरियाणा में इसमें पेपर में, वो आपका इजी रहा था। ज़्यादातर क्वेश्चन आपका इजी पैटर्न पे आपके आए थे। जैसे आप देख पा रहे हैं सही विलोम बताना है, ज्येष्ठ का क्या होगा, ज्येष्ठ का विलोम, ज्येष्ठ बड़ा होता है, कनिष्ठ आपका छोटा होगा, कनिष्ठ आपका इसमें कनिष्ठ जो जूनियर होता है उसका हिंदी में, आपका जूनियर इंग्लिश में जूनियर होता है। अमृत का पर्यायवाची आपको बताना अमी होता है, पर्यायवाची दूसरे का पाषाण का बताना है, पाषाण का पर्यायवाची क्या आपका पत्थर, पताका क्या होती है, पताका झंडे को बोलते हैं, दिल पसीजना मुहारे का अर्थ है, ये आपका देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन आपका आ था। दिल पसीजना मतलब दया आना, दया ये कहते हैं कि उसको मारते वक्त दया आपका क्या है, दिल ने पसीजा मतलब दया वगैरह, कान खड़े होना इसका मुहावरे का अर्थ है, चौकन्ना होना। आप देख रहे हैं कितना आसान आपका पेपर इसमें पूछा गया है आपका। एक वचन आपके देख रहे हैं, एक वचन बहुवचन, ये आपके पांच छह क्वेश्चन इसी पे आए, चार पांच क्वेश्चन, एक वचन बताना है आपका, गली गली का जो बहुवचन क्या होगा, गलियां, इसका एक वचन बताना, कलम का एक बहुवचन आपका कलमे होगा। कितना आसान आपका पेपर देखने को मिल रहा है हमें। छज्जा का बहुवचन बताना है, बहुवचन पुरुष को का जो है एक वचन बताना है आपका। आगे है होरीफुल, जो होरिबल है, होरिबल का सिनोनियम बताना है आपका। आपका कैम्फ्लोइज का जो, देखिए हम आपको बता देते हैं ओरिबल, ओरिबल का क्या रहेगा आपका, ओरिबल का आपका एवफुल ही आपका सिनोनियम आपका रहेगा इसका। कैमोफ्लेज का आपका इसमें बताना है सिनोनियम आपको बताना है कैमोफ्लेज का। डिटेस्ट, डिटेस्ट इसका एंटोनियम बताना है, डिटेस्ट का एंटोनियम आपका एडमायर होगा आपका। रेटल बताना है इसका एंटोनियम आपको बताना है। और आगे है इंग्लिश में ही ये आपका, देखिए हम आपको जल्दी जल्दी से दिखा देते हैं, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका, यहाँ पे जैसे आपका क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका इसमें अगला क्वेश्चन आपका समथिंग दैट वेरी कॉमन, इसमें इस एडियम का सेम मीनिंग बताना, तो ब्रिंक ऑफ मोर देन यू कैन चीव। देखिए ये ऊपर वाले क्वेश्चन हैं, इनमें सारे ठीक भी नहीं होंगे, सारे आपके गलत भी नहीं होंगे, इस तरह के आपके जो क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं तो इनको आप अच्छे सही ना माने कि जो ऊपर इसमें लिखा हो वही आपका, जो हम बता रहे हैं वो आपका सही देख सकते हैं, वो सही मिलेगा आपको, ठीक है। नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आपको इसमें ये दिखा रहे हैं कि आपका किस तरह का आपका पेपर आया था। द एलिफेंट इन द रूम, तो इसमें आएगा एन इशू ए पर्सन और प्रॉब्लम दैट सम वन इज ट्राइंग टू अवॉइड, सही है आपका। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड बताना है इसका। आई वॉज वेटिंग एट रेनबो, इसमें आएगा आई हैव बिन वेटिंग एट रेनबो सिंस आपका 4 o'clock आपका। ग्रामेटिकली करेक्ट इसमें बताना था हमें, तो रीमा और हर फ्रेंड्स रन एवरी डे आपका आएगा। फिलिंग द ब्लैंक था, द बुक इन पार्ट्स इज बोरिंग, कश्मीर इज कोल्डर देन दिल्ली आपका। हु इज ए नोन एज, किसने आपका जो है बिल्ट की थी डिट्रॉइट, तो अल्बर्ट कैन आपके जो है एस्ट्रोलॉजर आपके जो भी थे इन्होंने जो आपका बनाई थी, ये अल्बर्ट कैन इसका डिजाइन तैयार किया था आपका। ये आपका इन विच कंट्री द यूरोपियन कम्स टू इंडिया 15th century आपका, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसमें एज पर नेशनल पेमेंट रेज्ड जो ट्रांजेक्शन है रेज्ड बाई जो आपका UPI है वो आपकी कितनी हुई है, तो 1.3 अरब आए गए हैं इसमें आपका। ये आपके आगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन राज्यसभा, तो 245 तो करंट में है लेकिन टोटल हैं आपके 250 आपके। इनमें से यूनियन टेरिटरी आपको बताना था, इनमें बताना था कि भी राजस्थान की जो कॉपर माइंस है वो कौन सी कहाँ पे है, कौन सी उसमें है आपकी। निम्नलिखित का जो है सबसे इनमें से सर जो प्रसिद्ध कार्यकर्ता कौन है पर्यावरण का, मेधा पाटकर आपका। इसमें बताना है विच हरियाणा का क्या नाम है, सही अर्थ क्या, हरी का निवास बोलते हैं, हरी कारण है आपका। इसमें बताना था आगे कि भी किस गांव में दुनिया की सबसे प्राचीन सिंधु सभ्यता घाटी मौजूद है, तो राखी गढ़ी आपका। आगे इसमें आपका कि भारत सरकार ने पंजाब को विभाजित करके नया राज्य जो अमित शाह आयोग जो हरियाणा बनाया था, जेसी शाह आयोग बनाई थी, वो कब बनाई थी, तो 23 अप्रैल को बनाई थी 22 अप्रैल की बजाय। हरियाणा के किस जिले में व्हील ट्रैकिंग सिस्टम आधारित किलोमीटर योजना शुरू हुई, ये आप देख पा रहे हैं गुरुग्राम। ये आपका है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो अनीता कोंडू आपका। तो
तो कुल मिला के आपका बहुत ही आसान जो है आपका पेपर आपका आया होता है। ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो हम थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देते हैं इसको ताकि आपको अच्छे से आपका इसका स्क्रीनशॉट मिल जाए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका क्वेश्चनों का यहाँ से भी। आगे देखते हैं हम आगे वाला, आगे और दिखा देते हैं उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सारा का सारा बहुत ही आसान पेपर आया है। ये आंसर आपके जो जिसने भी जिसका भी पेपर है उन्होंने सेलेक्ट कर रखे हैं, चूज कर रखे हैं, वो वाले हैं। ये 40 तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे दिखाते हैं हम 40 से आगे। ये आपका 50 तक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया, आगे 51 से आगे 53, ये आपका स्क्रीनशॉट। कंप्यूटर के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, कंप्यूटर के आपके आए हुए थे। हिंदी और इंग्लिश में भी आपका 10-10 क्वेश्चन, क्योंकि पहले तो 6-7 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब इन्होंने इंक्रीज कर रखा 6-7 क्वेश्चन आपके। पहले 3-3 क्वेश्चन आपके इंक्रीज कर रखे हैं, 10-10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी में आपको देखने को मिले थे इसमें। ये कंप्यूटर के आपके क्वेश्चन आप दिख रहे हैं इसमें, कंप्यूटर के आपके क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं, यहाँ का स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए अभी, नहीं तो इसका जो PDF है PDF भी डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से ही आप PDF इसका डाउनलोड प्राप्त कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेने की बजाय। स्क्रीनशॉट में आपका क्लैरिटी है वो साफ़ नहीं आएगी आपकी, तो इसी वजह से हम इसका स्क्रीनशॉट जो आपका PDF है वो नीचे डाल देंगे। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा तो वो भी ले सकता है। हम सारा इसमें पेपर आपको दिखा देते हैं। ये रीजनिंग के आपके क्वेश्चन है, रीजनिंग के और मैथ के बहुत आसान क्वेश्चन आपके देखने को आए थे इसमें, बहुत ही आसान। इससे आसान मैथ आप कभी नहीं आ सकता, कहीं से नहीं आ सकता आपका। जैसे डी ग्रुप में बोल रहे थे ना, वो उसमें डी ग्रुप में थोड़ा मुश्किल पेपर आया था, लेकिन इसमें आपका बहुत मुश्किल है। इतना बिल्कुल ही आसान लो लेवल का ऐसे पूछ रखा था कि 75% का 4% कितना हुआ, ये भी नहीं निकाल सकते क्या आप? इस तरह का क्वेश्चन आता है इसमें। देखिए ये इवन संख्याएं बतानी है, इवन कौन सी कितनी कौन सी संख्या है आपकी। कितना आसान, कितना लो लेवल का पेपर आपका आया था। इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी आपका, बता रहे हैं इस पेपर के हिसाब से, जो पेपर देख रहे हैं इसके हिसाब से कट ऑफ 75+ आपकी रहने वाली है। आगे आपका ये क्वेश्चन ये देख लीजिए आप। ठीक है, तो आगे आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ही आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप इसको प्राप्त कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।